अरे बच्चों, आज हम जन्मदिन का उपहार अध्याय 5 का पेज नंबर 40 को पढ़ेंगे। विपुल की आंखों से टप टप करके टपकते आंसू थम ही नहीं रहे थे। आज उसका प्यारा कुत्ता साइकी जो खो गया है, झबरीले बालों वाला छोटा सा प्यारा सा सफ़ेद साइकी, विपुल उससे भूलता ही नहीं था। वह उससे बार बार याद आ जाता है। कभी उसकी गेंद उठा कर लाता था तो कभी साइकी उसके बिस्तर में लेट जाता था। जब वह बाहर से आता था तब साइकी पूंछ हिलाते हुए उसकी गोद में चढ़ जाता था। विपुल को याद ही नहीं कि उसने कभी साइकी के बिना खाना खाया हो। दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, भैया दीदी, किसी से भी विपुल की उदासी देखी नहीं जा रही थी। सबने अपने अपने तरीके से उससे हंसाने की कोशिश की पर सभी असफल हो गए। इसी तरह पूरा महीना बीत गया। आज विपुल का 7वां जन्मदिन है। सबने विपुल के जन्मदिन के दावत की खूब तैयारियां की हैं। विपुल के सभी मित्रों को भी निमंत्रण दिया गया। जब सब आ गए तो माँ एक हाथ में विपुल का मनपसंद चॉकलेट केक तथा दूसरे हाथ से विपुल का हाथ पकड़े हुए कमरे में आई। विपुल उदास सा केक काटने के लिए खड़ा हुआ पर वह क्या, अचानक सब विपुल से जिद करने लगे कि वह केक काटने से पहले उनका उपहार खोल कर देखें। विपुल ने सबसे पहले दादाजी के उपहार की टोकरी खोली। अरे, इसमें तो साइकी जैसा ही एक कुत्ता था। विपुल का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसके बाद उसने दादी का उपहार खोल कर देखा। अरे वाह, उसमें भी वैसा ही एक और कुत्ता निकला। इस तरह विपुल ने जितने भी उपहार खोले उससे सब में एक एक कुत्ता मिला। विपुल प्रसन्न तो था पर हैरान भी। उसके पास अब 15 कुत्ते थे। साथ ही इतने कुत्तों को देखकर विपुल की माँ भी चिंता की बढ़ गई। वे सोच रही थी कि इतने सारे कुत्ते पूरे घर को गंदा कर देंगे, उन्हें पालना कितना कठिन हो जाएगा, उनकी देखभाल कैसे होगी। पर इन सब से बेखबर विपुल बारी बारी से सब कुत्तों पर खुशी से हाथ फेर रहा था। दादाजी ने पूछा, इतने सारे कुत्तों का क्या करोगे विपुल? दादाजी, अब तो मुझे ना केवल मेरा साइकिल मिल गया बल्कि मैं अपने दोस्तों को भी एक एक कुत्ता दे पाऊंगा। अपनी वर्षगांठ पर अपनी ओर से अपने दोस्तों के लिए यही है मेरा वापसी का उपहार, विपुल ने चाहते हुए कहा। विपुल की बात कोई भी हंसे बिना ना रह सके। उपहार पाना हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है। मिलने पर आंतरिक खुशी मिलती है। उपहार जैसा भी हो वह मन का हार बन जाता है।